रब्बाल अकबर। क्या कहने यादव साहब? कन्या श्याणी आए हे, एरा दुख शरीर में यो था। बरतार तेरी ही तकदीर में यो था। हाय मेरी माँ। नहीं पिताजी, ये आपने मेरे साथ में क्या कर दिया। ये आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया पिताजी। पिताजी बेटी धर्म देवी, ये आपने मेरे साथ में हर किस अच्छा नहीं किया पिताजी। आपने अपने स्वार्थ के कारण मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आप स्वार्थी हो पिताजी, स्वार्थी हो। ए धर्म देवी बेटी, तूने सही कहा, तूने सही कहा, मैं स्वार्थी हूँ। हाँ पिताजी, आप स्वार्थी हो। लेकिन मेरे से पहले और भी स्वार्थी हुए। कौन हुए? कौन हुए? सुने भागीरथ का जिक्र तेरे सामने आया होगा। भागीरथ का जिक्र तेरे सामने आया होगा। और सुख सागर में लेख तने लिखा पाया होगा। सुख सागर में लेख तने लिखा पाया होगा। और बालक ने इज्जत की खातिर दुख उठाया होगा। स्वार्थ गंगा भागीरथ क्यों लाया होगा। बिन स्वार्थ भागीरथ गंगा क्यों लाया होगा। बिन स्वार्थ भागीरथ गंगा क्यों लाया होगा। हो जी हो। ये सगर वंश तेरे ज्ञान से गंगा, सगर वंश तेरे गया जैसे गंगा नीर में यो था। तेरा छोटा सा सजन तेरे तक तीर में यो था, यो था। बालक बड़े गंगा शरीर दुखे शरीर में यो था। छोटा सा बलम तेरे तक गंधारी के बेटा बुर्गी नीति माड़ी ना। गंधारी के बेटे बुर्गी नीति माड़ी ना। सुत पंडवा की ना बड़ी बिगाड़ी ना। पंडवा के हर में बड़ी बिगाड़ी ना। 101 कैरवा ने कोई कसर निकाली ना। 101 कैरवा ने कोई कसर निकाली ना। अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना। अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना। हो जी हो। हो
पिताजी पिताजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बूझिए बेटी, एक बात नहीं आप सौ बात पूछ। आप कह रहे हो कि अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना। पिताजी मुझे एक बात बताइए, हाँ वो द्रौपदी नगन क्यों नहीं हुई? हमारे ऐसा क्या कारण था जो वो चीर अनंत हो गया? अनंत हो गया जी। हमारे बाबा मुख्तियार सिंह जी 100 रुपए इस रागनी पे खुश होकर के प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी एक बार जी कृष्ण भगवान की आखेट करते समय चक्कर से उंगली कट जाती है जी। पिताजी पता है क्या, कृष्ण भगवान की बहन थी सुभद्रा जी, उसके पास में एक रोज देव ऋषि नारद मिलने के लिए चले गए। सुभद्रा रोने लग जाती है कि हे देव ऋषि, मेरे भाई जो कृष्ण है मेरे पास में आता है और 2-4 मिनट बैठता है चला जाता है, लेकिन जो उसकी मुंह बोली बहन द्रौपदी है उसके पास में पूरे पूरे दिन विश्राम करता है। नारद की मन जैसी चाल थी। फिर क्या हुआ? पहुंचे कहने लगी, भगवान आप ही अच्छा नहीं करते, जिससे आपका खून का रिश्ता है बहन सुभद्रा के पास में आप सिर्फ 2-4 मिनट रुकते हैं, और जो द्रौपदी है मुंह बोली बहन उसके पास में आप पूरे पूरे दिन विश्राम करते हैं। फिर क्या हुआ? पता है भगवान ने क्या कहा? क्या कहा? ए नारद जी, रिश्ते खून से ही नहीं होते हैं, रिश्ते तो भाव से भी होते हैं, खून का रिश्ता ही पवित्र नहीं होता है। बोले महाराज ये बात मैं नहीं मानता, जाओ कहो कि तेरे भाई कृष्ण का ये चक्र चलाते समय उंगली कट गई है, सुभद्रा के पास में जाओ, और विद्वान ब्राह्मणों ने बताया है कि तेरे बहन की चीर की एक लहीर अगर मिल जाए तो बांधते ही वो खून रुक जाएगा। फिर क्या हुआ? नारद जी जाते हैं सुभद्रा को बताते हैं ये बात जी। सुभद्रा वो एक लहीर ढूंढने के लिए पूरे महल में कोने कोने में जाती है, फिर देखती है। इतनी देर में नारद जी चले जाते हैं। बोले क्यों भैया? बोले महाराज महल के कोने कोने में सुभद्रा एक लहीर ढूंढ रही थी। बोले देव ऋषि अब जाइए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी के पास में जाते हैं जी। कहने लगी द्रौपदी, हे कन्हैया कैसे आना हुआ? फिर क्या हुआ? बैठिए जलपान कीजिए। नहीं द्रौपदी, जलपान करने का समय नहीं है, तेरे भाई कृष्ण की उंगली आखेट करते समय चक्कर से कट गई बहन, किसी ने बताया है तेरे चीर की एक लहीर अगर मिल जाए तो वो खून रुक सकता है अन्यथा नहीं। फिर क्या हुआ पिताजी? द्रौपदी ने पता है क्या किया? क्या? तुरंत अपने सर पर से जो चीर था वो उतार कर आड़ करके दे दिया कि जा जल्दी जा। जाकर के पहुंचे, बोले नारद जी आपने देखा? और उस समय कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि ए पांचाली, ए बहन द्रौपदी, एक समय ऐसा आएगा 1000 हाथियों के बल वाला दुशासन तेरे चीर को खींचता खींचता थक जाएगा, लेकिन इसका अंत नहीं आएगा। धन्य है ऐसी प्रतिवर्ता। द्रौपदी हुई उघाड़ी ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उघाड़ी ना। दुर्वासा कृष्ण के वचन वेद, दुर्वासा कृष्ण के वचन वेद, उस चीर में योद्धा छोटा सा बोलता पे खुश होकर के श्रीमान जी कैलाश जी लमड़दार साहब 100 रुपए अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बेटी ए धर्म देवी जी पिताजी, आज
आज तेरे पति की उम्र 9 महीने है जी। और मेरे परम आदरणीय कोई सज्जन श्रोता 100 रुपए गुप्त दान कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और ये इंस्पेक्टर साहब अमर सिंह जी लालाना से 500 रुपए गौ माता के नाम से और 100-100 रुपए से दोनों कलाकारों का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धर्म देवी जी, पिताजी, बेटी आज तुम्हारे पति की उम्र 9 महीने है जी, लेकिन बेटी इसकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। अरे भारत देश में ऐसी ऐसी भी सतियां हुई हैं जिनको ये पता हो गया था कि शादी के 1 साल के बाद में तेरा पति खत्म हो जाएगा। ऐसी कौन सती हुई है पिताजी, क्या मुझे बताइए कौन हुई, कौन? सुनिए सुनिए, अस्पति की सामत्री का हाल सुनिया होगा, की सामत्री का हाल सुना होगा, और बिन पैसे लकड़ो हारा कंगाल सुनिया होगा, बिन पैसे लकड़ो हारा कंगाल सुना होगा, शादी के एक वर्ष बाद इंतकाल सुना होगा, शादी के एक वर्ष बाद इंतकाल सुना होगा। मरे पति ने, मरे पति ने, ए मरे पति ने जिवाया जिक्र कमाल सुना होगा, ए मरे पति ने जिवाया जिक्र कमाल सुना होगा, मरे पति ने जिवाया योगा कमाल सुना होगा। करे भरत घेरा यमराज करया, भरत घेरा और ये हमारे परम पूजनीय बाबा कालूनाथ जी कालूवाड़ा से 100 रुपए से हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और ये 100-100 रुपए मेरे बड़े भाई साहब मनोज यादव चिड़िया से 100-100 रुपए से दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छे। साजन साजल पुकारूं, साजन साजल बेटी धर्म देवी जी, पिताजी सुना आपने, मैं एक बात और भी पूछना चाहती हूँ। और पूछना चाहती हूँ, हमारी प्रणाली क्या है? हमारी प्रणाली जी, वो भी बताऊँ, हमारी सांग प्रणाली भी बताइए। सुनिए सुनाइए, मंगलचंद गुरुद्वारा जावली गांव सुना होगा, मंगलचंद गुरुद्वारा जावली गांव सुना होगा, विद्या के शुभ तट का जिठोली धाम सुना होगा, विद्या के शुभ तट का जिठोली धाम सुना होगा, शंकर को स्वामी कहता था शंकर नाम सुना होगा, शंकर को स्वामी कहता था शंकर
चंद्रलाल दत्तनगर सॉन्ग का काम सुना होगा, चंद्रलाल दत्तनगर सॉन्ग का काम सुना होगा, चंद्रलाल दत्तनगर सॉन्ग का काम सुना होगा। ज्ञानी गुण शंकर दास थे, ब्रह्म ज्ञानी गुण शंकर दास, फकीर में बेटी धर्म देवी मंगल चंद गुरुद्वारा जावली गांव सुनया होगा। और हमारे गुरुजी मास्टर जी सुरेंद्र जी गौरीपुर से 500 रुपए गौ माता के नाम से और 100-100 रुपए हम दोनों को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। लोगो चिड़ी चौंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे तो कहे गए दास कबीर। भाई न्यू समझ लियो कि एक फिल्म देखे आए थे 50 रुपए में, 10-20, 10-20, 50-100 जिसकी जितनी श्रद्धा हो गौ माता के नाम से। आप इतनी दूर से चल करके आते हैं, गौ माता के नाम से जरूर दान किया करो। क्या बताया पिताजी आपने आखिर में? मंगल चंद गुरुद्वारा जावरी गांव सुना होगा, विद्या के शुभ तट का जिठोली धाम सुना होगा, शंकर को स्वामी कहे दादा शंकर नाम सुना होगा, और चंद्रलाल दत्त नगर सांग का काम सुनया होगा। थे ब्रह्म ज्ञानी गुण शंकर दास, फकीर में यो था और छोटा सबर तार तेरी तकदीर में यो था। बेटी धर्म देवी जी पिताजी एक काम कीजिए बेटी। क्या? ये रात्रि है, अच्छा अंधेरा है जी, अभी जल्दी से मेरे साथ में चलिए। कहाँ से निकल लेते हैं? कहाँ पिताजी? मेरे साथ में मेरे घर चलिए। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मेरे साथ नहीं चलोगी? जी पिताजी। तो क्या अपने मायके में रहोगी? मैं अपने मायके में भी नहीं रहूंगी पिताजी। मेरे साथ भी नहीं चलोगी, अपने मायके में भी नहीं रहोगी? जी पिताजी। तो फिर कहाँ जाओगी? वहां जहाँ मेरा परमात्मा मुझे स्वयं लेकर जाएगा। पिताजी आप यहाँ से जाइए और मैं भी यहाँ से जाती हूँ। लोगो कह रही थी कि हे पिताश्री आप यहां से जाइए, मैं अपने इस पति को लेकर के ऐसे स्थान पर जाऊंगी जहां मुझे मेरा परमात्मा ले जाएगा। और पिताजी हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ, जब आपका पुत्र नौजवान हो जाएगा तो मैं आपके दर्शन करवाने जरूर लेके आऊंगी। ठीक है बेटी। ठीक। लोगो धर्म देवी अपने 9 महीने के पति को लेकर के